सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो अगेन आई एम इन डोमिनर 400 और ये रात का व्यू आप देख सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारा चेकिंग हो रहा था। सो वी आर येट टू कवर मोर 50 किलोमीटर्स। पता नहीं इस वीडियो में मेरा माइक का साउंड कैसा आ रहा है। लास्ट वाले में तो अच्छा नहीं आया था जस्ट बिकॉज ऑफ विंड ब्लास्ट। सो नॉट श्योर हाउ इट विल बी दिस टाइम बिकॉज मैंने थोड़ा एडजस्टमेंट किया तो है बट पता नहीं कैसा आएगा, फिर बाद में ही मेरे को पता चलेगा। सो अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर मेरे को एक्सटर्नल वॉइस डालना पड़ेगा। सो गाइस, मैं डोमिनर 400 जो चला रहा हूँ, मैं इसके बारे में मेरा रिव्यू बताना चाहता हूँ बिकॉज लाइक ऑलमोस्ट अराउंड 300 किलोमीटर्स टुडे आई एम गोइंग टू ड्राइव दिस। आई हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड 250 अराउंड। तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। वैसे भी पहले से ही मेरे को इसका बहुत ही पसंद था बट कभी इतना लॉन्ग राइड पे नहीं गया था। सो टुडे आई गॉट अ चांस एंड आई गॉट फ्यू मेरिट्स एंड फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, तो मैं बताऊंगा आपको। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उससे पहले थोड़ा अगर कुछ कमी है तो फिर फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू वर्क ऑन दोस। आई नो देर विल बी सम थिंग्स विच आई नीड टू अपडेट। तो अगर आपका है कमिंग बैक टू दिस 400 बेस्ड ब्लैक बेस्ट वी कैन से, सो ये पहला चीज़ तो गाड़ी बहुत हैवी है। सो आप जो भी इसको लेने का सोच रहे हो या फिर ड्राइव पे जाने का सोच रहे हो, रेंट पे भी हो, तो अपना मतलब आप अगर बहुत ही एक्स्ट्रा मतलब बहुत ही ज़्यादा पतले हो तो फिर आई वुड नॉट सजेस्ट दिस वन फॉर यू बिकॉज इसका थोड़ा वेट है। और वेट है ये एक एडवांटेज भी है बाइक के लिए कि स्टेबल रहेगा बट सेम एट द सेम टाइम ये डिसएडवांटेज भी है कि ये आपको हैंडलिंग के लिए कॉर्नरिंग तो आप इस पर नहीं कर सकते उतना। वैसे भी ये क्रूज़ बाइक है, नॉट ए स्पोर्ट वन, तो इसका हैंडलिंग भी थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल लगा। आई डोंट नो व्हाई, मे बी इसका एक इसका जो हैंडल बार्स है उस पर एक लगा है, मतलब जो होता है ना हैंड सपोर्ट के लिए, रिस्ट सपोर्ट के लिए जो, तो वो मेरे को पर्सनली तो अच्छा नहीं लगता कभी भी। तो मेरा भी पल्सर 220 है, आपको पता होगा जो मेरे को फॉलो करते हैं। मैं उस पर भी लगा था बट मैंने उसको निकाल दिया फिर बिकॉज जो ओरिजिनल देता है कंपनी वो बहुत ही थिन रहता है, मतलब पतला सा रहता है, तो हाथ में भी इजीली आ जाता है एंड बहुत ही स्मूथ एंड कंफर्टेबल भी लगता है। बट हियर इन दिस बेस्ट 400 इसमें ये आई थिंक ये थोड़ा ये जो रबर लगा है इस पर ये बाहर से लगा हुआ है, तो आई थिंक इसको निकाल देंगे तो बेटर लगेगा। बट आई विल फॉर मी तो मेरे को तो ये पसंद नहीं है। सो जो भी विदाउट एनी रबर और जो भी लगाते हैं सब हैंडल बार्स में एक्सीलेटर में, तो वो मेरे को तो पसंद नहीं। वो मेरे को एक लगा जिसके वजह से मेरे को हैंडलिंग भी हैवी, हैंडलिंग तो हैवी है ही इसका बट आपका जो लॉन्ग राइड्स पे पेन होता है थोड़ा वो कम हो जाएगा इफ़
ये रबर एक्स्ट्रा वगैरह सब ना लगे तो, क्योंकि ये इसका ग्रिप तो बना देता है बट इसको बहुत थिक बना देता है, जो कि पकड़ने में थोड़ा ग्रिप तो है बट उसके लिए ज़्यादा एक्सटर्नल एफर्ट देना पड़ रहा है। सो दैट इज़ वाई आपको लॉन्ग राइड्स पे ये थोड़ा दर्द देगा, अदरवाइज खींचता तो बहुत ही अच्छा है ये गाड़ी। ओके, हैंडलिंग मैंने बता दिया, उसको मैं एक डीमेरिट बोलूँगा, इतना अच्छा नहीं है, मतलब हेवी है और वेट तो दैट इज़ 50-50, बट जो खींचता है ना ये गाड़ी 400 cc, और ये बजट पे आई डोंट थिंक एनीवन एल्स इज एबल टू कम्पीट विथ डोमिनार। तो खींचता ज़बरदस्त है ये, लाइक विद इन 5 सेकेंड्स इट कैन रीच आउट टू 120+। अभी मैं आपको शो करने का ट्राई करता हूँ, ओके जस्ट देखते रोड के सिचुएशन के हिसाब से देख के, सो आई ट्राई टू स्पीड इट अप। बहुत ही ट्रैफिक है, सो इसीलिए ज़्यादा खींचा नहीं, बिकॉज सेफ्टी फर्स्ट, बट ये खींचता ज़बरदस्त है, मतलब 10 out of 10 मैं दूंगा इसको। सो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा ये बाइक, बस हैवी वेट है, हैंडलिंग में थोड़ा इश्यू है, नहीं तो इट्स ऑल ऑसम। सो यही बस था इस वीडियो में, मैंने आपसे थोड़ा बहुत शेयर किया अपना डोमिनार का रिव्यू जो मेरे को पसंद आया, और कंफर्टेबल तो बहुत ही अच्छा है ये, इसका राइडिंग पोजीशन दैट ऑल इज़ वेरी वेरी गुड। बस एक ही चीज़ मुझे यहाँ पे पसंद नहीं है, वो है हैंडलिंग। वेट तो मैं संभाल लूँगा, मतलब आई कैन ईजिली हैंडल बिकॉज एज पर माई वेट मैं भी हैवी हूँ, तो दैट्स फाइन फॉर मी। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल प्रिपेयर मोर फॉर यू, वी विल मीट सून। थैंक यू एवरीवन, जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड स्टे ट्यून्ड। टाटा, बाय बाय। Thank you.